आपको पता है राणा जी, सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। मैं तो अभी उठा, दूध गर्म किया, ओट्स के साथ खाए, उसके साथ दो बनाना। अरे मेरे को पता चला कि सुबह जल्दी लग जाते हैं यहाँ मंडी ना, और मेरे को फोन आ गया कि तू निकल जा। तू पहले यहाँ से फ्री हो, फिर लंच वंच घर पे बन जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय रिलेट ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही हो गए, स्वस्थ हो गए। तो आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो जैसा आप देख सकते हैं कि आज मैं चंडीगढ़ हूँ और मैंने ब्लॉग शुरू किया है लिफ्ट से, क्योंकि मैं लेट हो चुका हूँ और मुझे जल्दी जल्दी जाना है। कहाँ जाना है इस ब्लॉग में आगे आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो जी, आज तक जो मॉर्निंग होती थी वो शिमला से होती थी, आज मॉर्निंग है चंडीगढ़ से। अभी मैं जा रहा हूँ एप्पल मार्केट। आप सबको बताया था मैंने कि मेरे सेब आने वाले हैं, तो बस उसी के लिए मैं जाने वाला हूँ। और वहाँ पे क्या है ना, जैसे लाफू घाटी में 10, 10:30, 11 बजे कोई टाइमिंग नहीं थी, जब मर्जी शुरू करो। यहाँ पे ना 8 बजे, 8:30 बजे बोली शुरू हो जाती है। तो सैंपल में मेरा माल लग चुका है, जो मेरे भाई आया गाड़ी लेके वो पहुँच चुके थे। मैं बस अपनी गाड़ी देखता हूँ कहाँ लगी है। ये देखो, यहाँ मेरी गाड़ी लगी है, और फटाफट निकलते हैं ताकि हम भी लेट ना हो जाए। ये है पूरी सोसाइटी। तो मैं आया हूँ ध्रुव के फ्लैट। तो भाई वो सब रेस्ट कर रहे थे, मैंने सोचा क्यों डिस्टर्ब करना, हम निकलते हैं फटाफट। मैंने पहने हैं ब्लैक शूज़, तो अब मैं सोच रहा हूँ इसके नीचे वाइट शूज़ पहन लेता हूँ। तो भाई हम हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। अब मैं आपको बता दूँ, मैंने जूते चेंज कर दिए, तो ये वाले जूते पहन लिए। तो सोचा कि ये ठीक लगेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन कुछ इसी तरह से था। नीचे पहना है शॉर्ट्स इसीलिए क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी। तो जब मैं शिमला से निकला था तो मैंने सोचा कि इतनी गर्मी नहीं होगी, तो जो मैंने अंदर अंडरवेयर डाली थी वो भी मुझे निकालनी पड़ी, इतनी गर्मी है, सिर्फ एक टी शर्ट में गुजारा हो रहा है। तो अभी निकलते हैं, आज कैसा रहने वाला है आप ज़रूर देखना। और जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि चंडीगढ़ में किस तरह का सेब बिक रहा है, तो उन लोगों के लिए तो काफ़ी अच्छी वीडियो है, क्योंकि मुझे खुद भी आइडिया नहीं है यहाँ पे कैसे सेब बिकेगा कैसे नहीं बिकेगा। जैसे हिमाचल में किलो के हिसाब से था, यहाँ पेटी के हिसाब से। इंटरेस्टिंग रहेगा, और लेट्स सी क्या बनता है। वेरी एक्साइटेड अगेन। लाफू घाटी से तो मुझे काफ़ी ज़्यादा निराशा हुई थी, क्योंकि जो JCO कंपनी है मेरे को अच्छी नहीं लगी। बहुत ही कम रेट में मेरे सेब भी बेचे गए। वहाँ के जो ओनर थे वो मेरे को ठीक नहीं लगे, जो बेचते हैं सेब उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था। तो मैं सोचा कि भाई क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है ऐसे लोगों के पीछे। कमी तो है नहीं आड़तियों की, बहुत सारे आड़ती है, ये नहीं तो कोई और सही, जो ये वाले आड़ती है। लेट्स सी कैसा बनता है इनके पास। तो जी मैं सोसाइटी से बाहर आ गया हूँ, तो अभी तो ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। मेरे को जाना पड़ेगा यहाँ से थोड़ा सा रॉन्ग, क्योंकि यहाँ आगे से टर्न है और फिर सीधा हाईवे में मेरे को आगे निकलना पड़ेगा। एक और रास्ता भी है, तो मैंने सोचा कि अभी ज्यादा ट्रैफिक नहीं होगा, हाईवे से निकलता हूँ, जल्दी पहुंच भी जाऊंगा। वैसे यहाँ आगे से भी दो रास्ते हैं, मैं फ्लाईओवर चढ़ के आगे से टर्न भी ले सकता हूँ, या फिर मेरे को जाना पड़ेगा नीचे नीचे से, और नीचे से भी एक टर्न आ जाता है जो पारस डाउनटाउन मॉल है उसके पास से मुड़ेगा। तो अभी नीचे से जा सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह इतना ट्रैफिक नहीं होगा तो आपको फायदा हो जाएगा। अगर मैं ऊपर से जाऊंगा तो ऊपर से लंबा पड़ेगा मेरे को, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं नीचे से ही निकल जाता हूँ यहाँ से। तो देखो जो आगे लाइटें आ रही है वहाँ से मेरे को राइट टर्न लेना है, और इस जगह पे जो है ना लाइटें होती है, टाइम से क्रॉस कर लेते हैं। लाइटें जंप हुई तो फिर चलान भी होता है इसका। लो जी, सक्सेसफुली जो है हम लोगों ने लाइटें क्रॉस कर दी है। अब ये जो सड़क है सीधी जाएगी, अब यहाँ से जो है ना सीधा सीधा ही है, आगे जाके बस मेरे को एक टर्न लेना और मैं 20 सेक्टर पंचकुला मार्केट पहुंच जाऊंगा, जहाँ पे मेरे सेब लगे हैं। तो वहाँ पे फ्रूट मार्केट है, वहाँ पहुँचता हूँ फिर बताता हूँ मैं आपको। अभी मैं हाईवे पे हूँ, अभी देखो सामने बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे दिखा रहा है वो 20 सेक्टर को किस तरफ से जाना है। तो अभी मेरे को ये हाईवे छोड़ना पड़ेगा और साइड वाली लाइन में आना पड़ेगा, जो यहाँ पे देखो यहाँ से एग्जिट करके सीधा आगे जाके फिर राइट हैंड साइड पे ही मेरी मार्केट है, वो 20 सेक्टर। तो कभी अगर आप लोग इस तरफ से आ रहे हो तो आप लोगों को थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी। ये देखो, ये मैं हाईवे छोड़ दिया, अब मैं जाऊंगा इस तरफ से नीचे को। वाह यार, इसके हाल बड़े खराब हो गए सड़क के। तो आगे मेरे को बस एक लाइटें है, लाइटों से मेरे को राइट टर्न लेना है। वाह, आज तो भाई साहब लाइटें भी जल्दी जल्दी हो रही है, नाइस। मेरे को इन लाइटों से लेना है राइट और मैं पहुंच जाऊंगा 20 सेक्टर मार्केट में, और वहीं पे ही है फ्रूट मंडी। तो लेट्स सी भाई क्या बनता है आज, क्या नहीं बनता। तो जी हम मार्केट के अंदर तो पहुंच चुके हैं। ये है जी 20 सेक्टर पंचकुला की मार्केट। 20 सेक्टर की मार्केट भी बहुत बड़ी मार्केट है, और यहाँ पे ध्रुव भी रहता था पहले, तो मेरे को इस मार्केट का काफी अच्छा आइडिया है। और जो सब्जी मंडी है वो उस वाली लाइन में, यहाँ से सीधा एंड में जाके उसी के राइट में आगे जाके मंडी आ जाएगी। तो अभी बस मैं आपको दिखाता हूँ। ओ तेरी, आप देख रहे हैं दोनों तरफ को ट्रक कितने हैं, राइट में देखो चाहे लेफ्ट में देखो, जैसे जैसे गाड़ी आगे जाया जा रही है ट्रक भी बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये इंडिकेशन है कि भाई हम फ्रूट मार्केट के नजदीक पहुंच चुके हैं। तो यहाँ अंदर है जी वो गेट फ्रूट मार्केट का, तो अंदर चलते देखते हैं कहाँ हमें जाना है। तो यहाँ से अंदर है भाई, अब मेरे को यहाँ पे पूरी जगह पे चेक करना पड़ेगा कहाँ पे है उनका
वो आड़त MAC। तो देख सकते हैं मंडी में कितनी सारी गाड़ियां आई है जो सेब लेके आई है, और अलग अलग आड़तियों के जो है ना वहाँ पे नंबर लगे हुए हैं। तो मैंने लगाई है अभी गाड़ी यहाँ पे, तो भैया ने हेल्प की मेरे को कि यहीं पे लगा लो फिलहाल के लिए, अभी कोई निकलने नहीं वाला है। तो भाई मेरे को ढूंढना पड़ेगा अंदर अपना आड़ती जहाँ पे मेरी पेटियाँ सैंपल में लगी है। तो भैया ये भी एक टास्क है, कहाँ पे होंगे वो भी पता करना पड़ेगा। तो ये देखो हर एक आड़ती के पास जो है ना सैंपल पेटियाँ लग चुकी है, बस अब कुछ ही टाइम में इनकी बोलियाँ भी लगेगी। तो मेरे को अपने बंदे ढूंढने किधर को है, अब देखो किधर इतनी बड़ी मार्केट में ढूंढना पड़ेगा। तो भाई MAC 20 मेरे को मिल गया है जहाँ पे हमारी सैंपल की पेटियाँ लगी है, और यहाँ पे हमारी सैंपल की पेटियाँ लगी होगी जिसमें AOD जो पहला मार्क था हमारा, और SO है इस बारी, मम्मी के नाम पे भी कुछ पेटियाँ लाई है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे सैंपल की पेटियाँ लगी है, तो इसमें ही बोलियाँ लगेगी, देखते कैसे रहता है। अभी मंडी बस शुरू होने वाली है, बोलियाँ बस 8:30 बजे शुरू होने वाली है। तो कुछ सेब जो है ना यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ पेटियाँ खुल गई है, देख किस तरह का सेब आया मार्केट में। तो ये देखो यहाँ पे आपको सेब दिखाई दे रहा होगा ट्रे के अंदर, वाह यार काफ़ी अच्छा अच्छा सेब आया है, बिल्कुल क्लीन साफ लाल माल। तो इसका तो कॉस्ट है भाई अगर चंडीगढ़ में आप आ रहे हो तो, सब ने जो अपनी पेटियों के मुँह खोलने शुरू कर दिए ताकि बस अब बोलियाँ लगनी शुरू हो जाएगी। तो देखो जी बाहर सारी पेटियाँ लगी है, तो यहाँ पे भी मेरी कुछ सैंपल की पेटियाँ हैं AOD एंड SO, जो मैं आपको बता रहा था कि SO के नाम से भी है। ये देखो SO मम्मी के नाम से सीमा ऑर्चर्ड, और ये है अक्षय ऑर्चर्ड देवत। तो यहाँ है जो सैंपल की पेटियाँ लगी है। और ऐसे मार्केट का सबसे अच्छी चीज़ पता क्या है, यहाँ पे ना मोनोपोली नहीं है। जैसे मैं JCO गया था वहाँ मोनोपोली थी, एक ही बंदे के पास जाओ उसने जितना बेचा उसको कुछ बोल नहीं सकते। यहाँ पे आप देखे कितने सारे बोर्ड्स लगे, कितने सारे आर्ट थे, आप किसी के भी पास आ सकते हो, आपको अच्छा नहीं लगा तो आप उठा के किसी और के पास ले जाओ, सा जहाँ आपको बेस्ट रेट मिलता है वहाँ पे सेब बेचो, कोई दिक्कत नहीं। और बेचने वालों की संख्या देखो कितनी ज़्यादा है, और ख़रीदने वालों की सोचो कितनी ज़्यादा होगी जब बेचने वालों की इतनी है। तो भाई जिस हिसाब से लगता है कि सेब अच्छा है तो अच्छी बोली भी जाएगी। आज देखते हैं मार्केट कैसे ओपन होती है यहाँ पर। तो भाई ये देखो यहाँ पर इस तरह की पैकिंग आई हुई है, ये क्या है इसमें? पलम। वाह ये है जी पलम, कहाँ का हो गए आप? कलर देखो कितना सही है, चौपाल का पलम है जो अभी भी बिक रहा है, डाल 300 रुपए बेचो। तो ये देखो भाई नाइस पलम, तो इस टाइम पे भी पलम है मार्केट में, वो सुन के काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे तो इस बारी कोई भी फ्रूट ऐसा नहीं हुआ है। तो ये भी देखेंगे कैसा बिकता है, इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि सेब के अलावा कुछ और भी बिक रहा है, वो भी देखने को मिलेगा। तो ये देखो मार्केट पूरी भर चुकी है, फटाफट जो है ना पेटियां लग रही है, बोलियां लग रही है, उठ रही है, पैक हो रही है, वापसी रख रहे हैं, और स्पीड जो है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अभी मैं आपको इनकी पैकिंग की स्पीड दिखाऊंगा, जैसे अभी अनपैक कर रहे हैं ना उसके बाद ये पैक करेंगे, ये मतलब गोली की स्पीड से सब कुछ काम चल रहा है यहाँ पे। तो ये देखो भाई सैंपल पेटियाँ लग चुकी है, काफ़ी अच्छा माल है, कलर भी है, साइज भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा छोटा है। अब देखते हैं क्या रेट मिलता है भैया को, बोली लगने वाली है, माल तो देखो एकदम बढ़िया। तो देखो जी इस तरह से माल देखा जाएगा, और यहाँ पे एकदम रेट बोल दिया है 2000, क्योंकि जो माल है माल कुछ इस तरह से है, तो 2000 से शुरू हो गया इसका रेट, देखते कितने में जाता है। मुझे 2100 चला गया ये वाला माल, आप देख सकते हैं कैसी क्वालिटी है, साइज तो ठीक ठाक, कलर भी ठीक है। अंदर जो पेटियां सैंपल में लग रही है वो यहाँ से उठ रही है, मेरा अभी देखो वहाँ आ गया है पेटियां, तो अभी मेरा नंबर आने को है, वो देखो वो पेटियां हैं, तो अभी यहाँ से उठाई जा रही है, तो अभी टाइम लगेगा। तो भाई अपना सैंपल की पेटी बंदों ने उठा दी है, देखते कहाँ लगती है। तो जी ये अपना माल, तो देखो कैसा है क्या है। नमस्कार जी, कैसे? ठीक है जी, ठीक है, बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ भाई, ये है माल, देखो कैसा माल है और देखते कैसा बिकता है। तो वैसे तो ठीक ही भरा हुआ है, कमी पेशी देख लेते हैं। तो ये देखिए ये है जी वैरायटी, साइज, थोड़ा सा कलर भी है। तो जी सेब तो अभी बिक चुका है, बोली लग चुकी है, पर अभी वो जो रेट मिला है उससे सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो देखते कहीं और को लेके जाना पड़ेगा। पहले तो मैं अपनी गाड़ी ढूंढ लूँ कहाँ लगाई है, मैं यही भूल गया हूँ मेरी गाड़ी कहाँ लगी है, तो इधर ही किधर को लगी थी यार, यहाँ इस लाइन में थी कहीं। और अभी राणा जी भी आ रहे हैं, उनका फ़ोन था कि मैं भी आ रहा हूँ, तो उनको भी पिक कर लेता हूँ बाहर जाके। वैसे यार गाड़ी तो बिल्कुल सेफ है, अभी तक कोई निकला नहीं है, ना मुझे फ़ोन आया, वैसे नंबर छोड़ रखा है मैंने गाड़ी में, अगर किसी को जाना होगा फ़ोन कर देंगे। ठीक है चलो पैदल ही जाता हूँ राणा जी को लेने। हेलो राणा जी, क्या हाल है, कैसे आप? बढ़िया भाई, बढ़िया। बड़े टाइम बाद फिर से मुलाकात हो गई। तो राणा जी ने सोचा कि मैं अभी देखता हूँ कि सेब कैसे बिकते हैं। सही बात है। तो अभी गया तो है सेब,
पर अच्छा नहीं बिका है तो मे भी शायद यहाँ से उठाना पड़े। कोई चक्कर नहीं, चलते यार, है ना, चलो अंदर को चलते हैं। आपको पता है राणा जी, सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। मैं तो अभी उठा, दूध गर्म किया, ओट्स के साथ खाए, उसके साथ दो बनाना। अरे मैं, मेरे को पता चला कि सुबह जल्दी लग जाते हैं यहाँ मंडी ना, और मेरे को फोन आ गया कि तू निकल जा। कोई ना, तू पहले यहाँ से फ्री हो, फिर लंच वंच घर पे बन जाएगा। तो वो तो ठीक है, पहले यहाँ से एक बार पता तो लगे कि मतलब क्या है क्या नहीं। तो मैं कुछ ले आता ही तेरे लिए। कोई बात नहीं, केले कुल्ले चख लेते हैं, केले खा ले। कोई नहीं, अभी यार मेन तो ये है कि यहाँ से डिसाइड हो जाए ना, उसके बाद खाना ही है, फिर तो आराम से घूमेंगे खाएंगे। लेट्स सी यार, एक बार फ्री हो जाते हैं ना। तो जी आज मंडी जो है काफी डाउन है, इतना अच्छा वेराइटी ऑफ एप्पल है और ये भी 2400 जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, इससे अच्छा है कुछ लोगों का वो इतना भी नहीं गया, तो आज बोल सकते हैं कि मंडी काफ़ी डाउन है। यहाँ पे भी बहुत सारे सैंपल लगे हुए हैं, पता नहीं कुछ तो बोली भी नहीं लग रही है। क्यों राणा जी, कैसा एक्सपीरियंस है, पहली बार देख रहे हो आप? सेब की क्वालिटी नहीं आ रही इस बारी, सेब वैसा भी नहीं है ना यार जैसा होना चाहिए। पहुँचा रहे हैं मार्केट तक, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। हाँ तो जी अब मैं जा रहा हूँ राणा जी के साथ, क्योंकि राणा जी नहीं मान रहे कि चलो घर चलते कुछ खा लेते, तो राणा जी के घर जाऊँगा आर्मी एरिया में। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप चंडीगढ़ सेब लेके आते हो ना, सबसे पहली ज़रूरत जो है वो है ग्रेडिंग, अच्छी ग्रेडिंग होनी चाहिए, बिल्कुल टाइट पैक सेब। और दूसरा ये कि वेट कम से कम 28-30 किलो की पेटी होनी चाहिए। अगर कम ग्रेड होगा तो वज़न भी कम होगा, तो सेब बहुत खुले खुले दिखेंगे, तो उसके बिकने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, रेट उसको कम मिलता है। अगर ये सारी चीज़ें कंडीशन आपकी पूरी हो कि आपका ग्रेडिंग अच्छा है, वेट अच्छा है, साइज़ अच्छा है, कलर अच्छा है, तो नो डाउट रेट है, मिलेंगे अच्छे रेट मिलेंगे। तो अभी मैं हूँ राणा जी के कैंटीन एरिया में अंदर, और ये है फूड कॉर्नर। यहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं कर सकता अंदर, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाऊंगा। तो अभी सामने से मैंने सोचा कि कुछ ये पेस्ट्रीज एंड वो लेके जाता हूँ खाने के लिए, खाली हाथ क्या जाना राणा जी के घर, और सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, तो राणा जी के घर पे कुछ खा भी लूँगा। तो भैया गर्मी क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो जी अब हम लोग चल पड़े हैं वापस मंडी की तरफ, क्योंकि वहाँ पे पर्चा बनना था जो हमने सेब बेचे उसके, तो कहा था कि 4 बजे तक आना। तो बड़ा मज़ा आया राणा जी के घर पे, और आप देख सकते हैं सामने हो रही है अब हल्की हल्की बारिश। वैसे भी बोला है कि 21-22 तारीख को काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होने वाला है। तो यार मैं राणा जी को यही कह रहा था कि पहले मेरे पास ही होती थी गाड़ी, तो मैं ड्राइव करता था, बाकी सब बैठते थे बगल में। पर अब ऐसा ज़माना आ गया, ऐसा टाइम आ गया कि मैं बगल में बैठता हूँ, बाकी सब ड्राइव कर रहे, कितना बड़ा चेंज है। और राणा जी के फैमिली से मैं इतने टाइम बाद मिला, क्योंकि जब मैं यहाँ आता था तो वो गाँव होते थे, और जब वो गाँव होते थे तो मैं कभी यहाँ होता था, तो मिलना नहीं हो पा रहा था। पर मजा आ गया, आंटी के हाथ का जो खाना, क्या मैं बताऊं, वाओ एक नंबर। और 2.5 साल बाद ही मिला होगा तू शायद से। हाँ, इसकी शादी के बाद मैं अब मिल रहा हूँ, और आंटी जी ने मेरे को, जैसे होता है ना घर से अपने लड़के को देते हैं कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें, वैसा वो उन्होंने मेरे को भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें दी। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि यार चलो, एक माँ का प्यार होता है, और आंटी जी तो शुरू से ही कोई भेदभाव नहीं करते बल्कि अंकल जो है ना मेरे को ज्यादा वेटेज देते हैं राणा जी से आज भी गाली पड़ी है भाई थैंक्स टू अंकल। यार अंकल ने भी आज बहुत ज़्यादा हेल्प की है, बहुत सारा सामान मेरे को लेना था जो कि अंदर कैंटीन से लेना था, तो राणा जी और अंकल जी दोनों आए और इन्होंने मदद की, थैंक यू सो मच। तो जी मैं जो गाड़ी की बात कर रहा था कि पुलिस वालों की गाड़ी खड़ी रहती है होती है, तो यहाँ पीछे भी थी जो कि स्पीड का चलान करते हैं। कल जब मैं आ रहा था तब भी राणा जी आपको बताया, ये लोग खड़े थे यहाँ पे, ये रोज खड़े, और मेरा चलान होते होते बचा क्योंकि मेरे को पहले ही दिख गए थे दूर से और मेरे को ये था कि भाई स्पीड नहीं बढ़ानी है भाई, 50 से ऊपर नहीं चलना है, क्योंकि भाई चलान कौन भरेगा। और आपको पता है ना इनके साथ बहस करके भी फायदा नहीं होता है। तू मानेगा मेरे कितने चलान पड़े हैं पेंडिंग अभी जो देने हैं? मेरे भी है 10,000 के। अच्छा, मेरे 8-1 चलान तो है, पर पता नहीं कितने कितने अमाउंट के। मेरे 2 है 2,000 के, बाकी 1,000 के है, एक है 2,500 का, वो हिमाचल का है, ओवर स्पीड का। बस वही बात है ना, मैं नहीं चाहता था कि कोई चलान वाला सीन हो मेरा। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं वापस मंडी, मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी है, थोड़ा सा सामान है जो राणा जी की गाड़ी से मैंने अपनी गाड़ी में रखना है, पर बाहर हो रही है बारिश, तो सोच रहे कि थोड़ा गाड़ी में बैठ जाते हैं थोड़ी देर, और एक और इंसान हमें मिलने वाला है, कौन है वो आपको थोड़ी देर में बताते हैं। तो भाई क्या 4 घंटे लगा दिए सिर्फ इन अंकु भाई ने, 4 घंटे लगा दिए है राणा जी सेब तो मैंने भी बेचा, 4 घंटे बाद नहीं आया, पर मैं तो जल्दी फ्री हो गया था कब से वेट कर रहे हैं अंकु अंकु भाई, हम पता कब से वेट कर रहे हैं, मैं कब आते हैं अब आते हैं, मैं कैसा क्या सेब ले गए अंकु भाई, है ये लाए इस बार ना
बदल तो ये पीना। अच्छा पियो पियो जो भी पीना आपने, जूस पीना है। आ जाओ भाई, अंकु भाई को प्यास लगी है, पहले जूस पियेंगे। मैं पेटी अंदर रख लेता हूँ, गीली हो जाएगी। अंकु भाई ने जल्दबाजी में देखो प्यास लगी होगी तो पेटी भी यहीं रख दी और बैग भी यहीं रख दिया। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, जो सेब बेचने आते हैं ना लोग, उनका बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि अब आपको बेचना भी है, फिर रेट अच्छा लगा नहीं लगा, अगर कहीं और लेके जाना हुआ तो कहीं और लेके भी जानी पड़ती है आपको पेटियां और गाड़ी, तो काफ़ी सारा स्ट्रगल रहता है। और अगर आपको सेटिस्फेक्शन हो गई तो उसके बाद आपको रुकना पड़ेगा, जो डिटेलिंग है कि कैसे बिका है, क्या बिका है, उसके बगैर क्या पता कि क्या सेब था आपका क्या नहीं था, तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है राणा जी, बाय बाय, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी, और थैंक यू यार आपने इतनी मदद की। आगे कोई लोड पड़े तो बताइए। हाँ हाँ राणा जी इज ऑलवेज देयर। तो भाई मुझे अंकु भाई मिल चुके हैं, अंकु भाई को लेके जाना है ध्रुव के घर, तो अब हम बस घर ही जा रहे हैं। तो अंकु भाई भी आए थे सेब बेचने, दोनों का पर्पस हो गया भाई अब कंप्लीट, और राणा जी भी हमें बाय बाय कर रहे हैं, ये भी जा रहे हैं। चलो अब हम भी निकलते हैं आगे, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। तो भाई आजकल जीरकपुर में जो है शाम के टाइम बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, देखो वो लाइन तो फुल है ही, हमारी लाइन भी फुल हो चुकी है, और मैं चला हूं लिंक रोड में ताकि मैं अंदर मोतियास को टर्न ले सकूं, और मेन सड़क पे भी उतना ही जाम है। तो भैया बस पहुंच जाए एक बारी, थक भी बहुत ज्यादा गया मैं और अंकु भाई। ओ भाई साहब इतने ट्रैफिक के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं मोतियास रॉयल सिटी, अपने आशियाना की तरफ। तो यार अब ना हम लोग ना थक भी बहुत ज्यादा गए हैं, तो सोच रहा हूँ मैं इस व्लॉग को भी यहीं पे खत्म कर देता हूँ। ऊपर भी अंजना और ध्रुव होंगे, वो भी रेस्ट कर रहे होंगे, क्यों डिस्टर्ब करना है सबको। तो अभी एक बारी एंट्री ले लेते हैं। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं सोसाइटी के नीचे, और ये जो सामने आपको गाड़ी दिख रही है ना, ये 4x2 है जो अभी आई है नई थार, और एक साथ में खड़ी है ये 4x4। तो जी अब हम लोग पहुंच चुके हैं वापस, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, सुबह 6 बजे का उठा हुआ हूँ, अब मुझे ना नींद आ रही है ऐसी जोरों शोरों से, मन कर रहा है एकदम जाके ना सो जाऊं रेस्ट करूं। तो हमें सोचा इस व्लॉग को भी यहीं पे खत्म कर देता हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, आपको मार्केट अपडेट्स मिल गई होगी, कैसा है क्या है, किस तरह से सेब बिक रहा है चंडीगढ़ में। और ऐसा नहीं है, अगर सेब अच्छा है, वेरायटी अच्छी है, तो दाम भी अच्छा मिल रहा है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि चंडीगढ़ में दाम नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स है और सेलर्स भी बहुत ज्यादा है, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाता है। तो अब इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा तो आज के व्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए दिलीप व्लॉग्स, जुड़े रहे अगले व्लॉग्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।